अब देखो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। कई लोग बोल रहे हैं इसको कट है और कई लोग बोल रहे हैं सर ये सिलेबस में है, तो मैं आपको करवा देता हूं। अगर ये सिलेबस में है तो आप कर लेना, और सिलेबस में नहीं है तो आप वीडियो मत देखना, क्योंकि कई स्कूलों में मेरी जो ऑफलाइन बैचेज है वहां पे बच्चों ने बताया कि सर हमें पढ़ाया गया है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल होता क्या है, पहले इसको समझेंगे ये आया कहां से, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे, और फिर इसके वो क्या होते हैं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और वो सब जितनी भी चीजें वो बाद देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलीनोमियल होता क्या है, देखो क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है तीन, जिसमें एक्सपोनेंट या पावर मैक्सिमम कितनी हो, तीन, वेरिएबल की किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, तीन, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है इसकी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमें पता था कि जितने जीरोज होते हैं उतनी बार ये एक्स एक्सिस को, अगर इक्वेशन में सिर्फ एक्स में, अगर सारे वेरिएबल एक्स में है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, अगर सारे वेरिएबल वाई में है तो वाई एक्सिस को कट करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है कि जितने इसमें इक्वेशन होगी, मतलब अगर एक्स में होगी, वाई में होगी, के में होगी, टी में होगी, तो उसी एक्सिस को वो कट करेगा। आई बात समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि दो वेरिएबल थे तो दो जीरोज आए, मतलब एक वेरिएबल था और दो जीरोज आए थे, दो जीरोज क्या आए थे, अल्फा और बीटा, तो उसने ग्राफ को कितनी बार कट किया था, दो बार। यहां पे कितनी जीरोज होंगे, यहां पे तीन होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन कैसा है, क्यूबिक इक्वेशन है। आई बात समझिए, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको जीरोज कितने होंगे, तीन। तो देखो किसी तरीके से ये ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, कोई इसका फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से इसने यहां पे इसको कट किया, फिर यहां कट किया, और फिर वापस यहां पे भी कट कर दिया। तो यहां देखो एक दो तीन, तीन बार कट कर दिया। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो पैराबोला है, बिल्कुल हो सकता है पैराबोला, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन पैराबोला सिर्फ स्क्वायर का होता है, क्वाड्रेटिक का नहीं। तो ये तीन बार कट कर सकता है, तो तीन बार कट करने के लिए क्या कंडीशन है, देखो या तो कैसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी तो कट कर सकता है, यहां पे देखो ध्यान से, ये यहां गया, यहां से स्टार्ट हुआ ये, इसने यहां पे इसको कट किया, फिर यहां पे और फिर ऐसे, तो यहां पे इसने कितनी बार कट किया, यहां देखो एक दो तीन, तीन बार यहां पे कट किया ना, और यहां पे हो सकता है ये ऐसे भगता चला जाए। आई बात समझ में? या इसका ऐसे भी बनता है, कई जगह बुक में ऐसे भी दिया हुआ है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो कई बार जितनी बार ये कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। आई बात समझ में? तो इसका सिंपल सा एक ग्राफ बना देता हूं मैं आपको, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां पर है ये, ध्यान से देखना अच्छे से, एक मिनट पॉज कर देता हूं। देखो आपकी बुक में ये रहा, नई बुक में पेज नंबर 16 पे, तो पेज नंबर 16 पे मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं। देखो कैसे ग्राफ दिया है, देखो बिल्कुल डिटो एज इट इज, एक ग्राफ ये दिया हुआ है इस तरीके से, फिर ये यहां पे आया और यहां पे आके इसने इसको कट किया, फिर ये यहां से गया, फिर ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो कितनी बार कट किया इसने, ध्यान से देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो कितने जीरोज होगा इसके, तीन जीरो, और इस तरीके से भी ग्राफ है, देखो इसका बुक में जैसे दिया है वही बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहां से ऐसे आया, ठीक है, और यहां से आने के बाद ये ऐसे हुआ, ऐसे होने के बाद ये हो गया। तो यहां पे भी इसने कितनी बार कट किया, ध्यान से देखो, तो कहां से यहां पे ऐसे कट किया, एक बार, दो बार और तीन बार, है ना, एक बार इस तरीके से, देखो ध्यान से, ए इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ इसने यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तीन बार कट किया ना, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो कई सारी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो कई सारी सेव है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप आराम से देख के समझ लेना। मतलब इसका ग्राफ आपको समझ में आ गया कि भाई क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, जो तीन बार कट करे एक्स एक्सिस को, अगर इक्वेशन एक्स में, वाई में होगा तो वाई को कट करेगा, ये बात ध्यान में रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से समझना जितनी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जीरोस कितने होंगे, तीन जीरोस होंगे, ठीक है, और उसके तीन जीरोस क्या होंगे, देखो ध्यान से, लेट्स, मैं बता रहा हूं, लेट्स जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो क्या जीरोस होंगे, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब हमें पता है कि इसके जीरोज होंगे तो किसके इक्वल होंगे, एक्स के इक्वल, तो मैं क्या लिख देता हूं, x इक्वल टू अल्फा, यहां से क्या लिख देता हूं, x इक्वल टू बीटा, यहां से क्या लिख देता हूं, x इक्वल टू गामा। आई बात समझ में? तो यहां से क्या आ जाएगा, x x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या आएगा, x माइनस
बीटा इक्वल टू जीरो और यहां से क्या आएगा एक्स माइनस गामा इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल चल रहा है एफ एक्स के, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। क्लियर है यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, यही एफ एक्स किसके बराबर है इसके बराबर और एफ एक्स किसके बराबर है इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूं आया कैसे, तो ध्यान से देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू किसके आएगा, देखो अलग मार्क पेन से लिख देता हूं मैं, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये तो एज इट इज रहा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई, तो हमें तो पता ही क्या होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या होगा अल्फा बीटा एक ब्रैकेट में और फिर क्या होगा यहां से एक्स माइनस गामा। आई बात समझ में, ये इसको ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं ना, तो इसको मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ऊपर का मैं मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर का मेरे को काम हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन भी करते हुए चलना और मैं पूरा आपको डेरिवेशन अच्छे से समझाता हूं कि आया कहां से, ध्यान से देखना। अब ये एज इट इज रहा है, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, ये एज इट इज रहा, जो ये लिखा हुआ है ये एज इट इज है, ये चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से एक्स माइनस गामा और इधर से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, एक बार एक्स लिखेंगे और इसको छुपा लो, इस एक्स की इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट लगा लो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, फिर क्या आएगा माइनस का गामा और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर भेज रहा हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर, अब इसको अंदर भेज दो तो क्या आएगा प्लस इसको, तो अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार चेक कर लूँ माइक चालू है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब ये एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ ले रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, इस अल्फा बीटा एक्स और इस अल्फा गामा एक्स और बीटा गामा एक्स, इन तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब कर लो यार, क्यूब है ये, तो एक्स क्यूब माइनस, अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है, और प्लस का एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और माइनस का अल्फा बीटा गामा ऐसे ही रहा। अब देखो ये भी क्या था मेरा एफ एक्स और ये भी क्या था एफ एक्स, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ ये हमारा शुरू से चल ही रहा था, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए ना। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है वन और यहाँ पे कितना है ए, तो इसको ए बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ इसको वन बनाना होगा, तो इस पूरे को ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड और इसको भी ए से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो
आराम से समझो, ए स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशियंट कितना है 1, तो यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, तो ये ए है, तो ए हटाने का एक ही तरीका है, ए स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बीटा अपोन ए, ब्रैकेट में लिख लिया एक्स, प्लस ब्रैकेट के अंदर सी अपोन ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना एक्स, और ये क्या आ जाएगा प्लस का डी अपोन ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर, किसके एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा कम प्लस गामा गामा अल्फा और माइनस का अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरा ये सब पूरा काम हो चुका है, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार डेरिवेशन है, क्योंकि डेरिवेशन नॉर्मली आपको करवाया नहीं जाता, आप डायरेक्ट याद कर लेते हो, तो अगर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर भूल जाओ तो एग्जाम में थोड़ा समय देके ये ड्राइव कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, कोई दिक्कत, तो ये तो बराबर हो गए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को मैं बराबर रख देता हूँ, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ बीटा अपोन ए इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देखो इस एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर कट गया और ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का बी अपोन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब समझ में आ गया, यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ से क्या लिख देता हूँ मैं ध्यान से अलग पेन से, तो ये पूरा हो गया हमारा एक हिस्सा, अब यहाँ से क्या आएगा सी अपोन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो देखो इस एक्स से ई एक्स कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया सी अपोन ए इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आ गए समझ में, तो दो वैल्यू मिल गई मुझे, एक तो ये वाली एक ये वाली, अब एक तीसरा रह गया, देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो ये दोनों लिखे और बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या डी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा गामा, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए अल्फा बीटा गामा, आई बात समझ में, अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ ध्यान से देखना क्योंकि मेरा काम हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं ध्यान से पढ़ना, इसी को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, और इसको क्या बोलेंगे सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल टेकन टू एट अ टाइम, दो दो ले रहे हैं ना, और यहां पे क्या बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले इसको, तो इसको क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होगा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और किसके बराबर आई ये माइनस का इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर बी अपॉन ए, आई बात समझ में, और दूसरा क्या पढ़ेंगे उसको, इसको क्या पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है क्यूबिक पॉलीनोमियल टेकन टू टू एट अ टाइम, ठीक है टू एट अ टाइम्स, ठीक है तो ये क्या होता है मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा ये सी अपॉन ए, ठीक है अब एक बज गया, ठीक है एक बज गया उसको भी लिख लेते हैं, तो ये मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया, ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे हम ध्यान से देखना, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोलेंगे तीसरे वाले को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होगा अल्फा बीटा गामा और ये किसके बराबर है ब्रैकेट में लिख लो डी अपॉन ए, आई बात समझ में, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, तो ये मेरी पूरी क्यूबिक इक्वेशन का डेरिवेशन है, ये तीनों आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इसी पे क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड मेरी इक्वेशन क्या होगी वहां देखो उसको लिख देता हूं मैं, ये मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा, ठीक है ये पूरा मिटा देता हूं, तो स्टैंडर्ड मेरी क्यूबिक इक्वेशन क्या थी, जैसे जीरोज देखे अगर जीरोज देखे मेरे से क्यूबिक इक्वेशन बनाए तो वो क्या होगा ध्यान से देखना, वो मेरा क्या आया था अच्छे से देखो
ये मेरा क्या आया था, ध्यान से देखो, ये आया था मेरा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या आया था मेरा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस क्या आया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब इसको वर्ल्ड में लिख लेते हैं। तो अगर ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और इसको क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टेकन टू टू एट अ टाइम, यही पढ़ेंगे ना इसको, इनटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? तो ये मेरी वो इक्वेशन है, ये मेरी वो इक्वेशन है, ये वाली, जब हमें जीरो दे, तीन जीरो दिए रहेंगे और कहेगा कि पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन बनाओ या तीन डिग्री वाला वो बनाओ। जब तीन जीरो दिए होंगे और हमसे इक्वेशन पूछे कि क्यूबिक इक्वेशन बनाओ, तब हम इसका यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से लिखना, जितनी बात बताई मैंने उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि भाई ये तो इक्वेशन हो गई। और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा, ये क्या था, माइनस का बी अपॉन ओ, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या था, माइनस का बी अपॉन ओ। फिर दूसरा क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या पढ़ा था हमने, सी अपोन ए। और तीसरा क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू सी अपोन ए। आई बात समझ में? तो ये पूरा मेरा को क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छे से समझ में आया डेरिवेशन? बिल्कुल, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बताया, कैसे कैसे क्या क्या लिखना था वो सब भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये, अच्छे से देखना। मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया, कैसे आता है वो भी मैंने आपको समझा दिया और क्या क्या याद रखना है वो भी समझा दिया। नोट डाउन करो इसको, फिर इस पे बेस अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है। नोट डाउन करो इसको, ठीक है।